हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टडी सर्विस में। मैं स्वाति और आज आपको बात करूंगी एक नई नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग जो है आपकी बीएड से रिलेटेड। तो इस वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखें, इसमें आपको पूरी डिटेल में बताया जाएगा कि कब कब आपके एग्जाम है, जिस चीज की आपको बहुत दिनों से वेट था। डेली मुझे से मैसेज करके या फिर आप मुझे कमेंट करके जिस चीज को आप पूछते थे उसी चीज से रिगार्डिंग जो है आज आपको नोटिफिकेशंस मिली है। हाँ, आज ही 18/9/2020 में जो है ये रिलीज हुई है नोटिफिकेशन। आइए चलिए देखते हैं नोटिफिकेशंस को। तो ये है नोटिफिकेशंस, आप देख सकते हैं यहाँ पे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के द्वारा बीएड के सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर के एंड जो आपके फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के एनुअल सिस्टम से जिनका रहता है, जो आई शेड्यूल से बीएड कर रहे होते हैं, जो 2020 वाला जो बैच है चला हुआ है अभी, जिनके एग्जाम नहीं हुए थे, तो उनकी जो है डेटशीट जारी कर दी गई है। ठीक है, फिलहाल मेरे पास अभी ये वाली है, मैं आपको यहाँ से जो है शो कर देती हूँ कि कौन कौन से एग्जाम जो है वो कब कब है। अक्टूबर में आपके जो है एग्जाम होने वाले हैं, टाइमिंग जो रहेगी 2 बजे से लेकर के 5 बजे का जो है 80 मार्क्स वाले पेपर के लिए टाइम रहेगा, और 2 बजे से लेके 3:30 बजे तक जो है वो 40 मार्क्स वाले एग्जाम के लिए जॉब का टाइम रहेगा। चलिए 7/10/2020 को जो है आपका पहला पेपर है सेकंड सेमेस्टर का और फर्स्ट ईयर जो आई शेड्यूल वाले उनका। ठीक है, रेगुलर और जो सेमेस्टर बताऊंगी मैं आपको वो मैं आपको बताऊंगी साथ यहाँ पे क्या बोलते ईयर और सेमेस्टर दोनों चीजें बताती चलूंगी। यहाँ पे जो मैं आपको ईयर बताऊंगी वो होगा आपका आई शेड्यूल वाले, ठीक है, और जो आपको सेमेस्टर बताऊंगी यहाँ पे मैं वो रहेंगे आपके जो आपके कौन से जो आपके रेगुलर वाले हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 7 से जो है आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं। पहले देखिए जो रेगुलर स्टूडेंट होते हैं उनके एग्जाम होते हैं, देन फिर जो आई शेड्यूल वाले होते हैं उनके एग्जाम होते हैं। ठीक है, चलिए तो रेगुलर वाले जो है 7/10 को जो है जिनका फर्स्ट ईयर है अभी और सेकंड सेमेस्टर है रेगुलर में, उनका एग्जाम है लर्निंग एंड टीचिंग का। फिर है 8 तारीख को, तो 8 तारीख को फोर्थ सेमेस्टर का है, ठीक है, नॉलेज एंड करिकुलम। तो फिर है 9 तारीख को सेकेंड सेमेस्टर का अपना असेसमेंट फॉर लर्निंग, एंड 10 तारीख को जो है फोर्थ सेमेस्टर का है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, देन 12th को है आपका सेकेंड सेमेस्टर वालों का ड्रामा आर्ट एंड एजुकेशन, देन नेक्स्ट है 14th को सेकेंड सेमेस्टर टीचिंग ऑफ लाइफ साइंसेस एंड साथ में टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स 14 को ही है। 15 को है आपका फोर्थ सेमेस्टर वालों का ICT इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, देन नेक्स्ट है 16 को है आपका सेकंड सेमेस्टर वालों का जिसमें टीचिंग सब्जेक्ट जो भी है फिजिकल साइंस सोशल साइंस कॉमर्स एंड ठीक है, तो ये जो है 3 टीचिंग सब्जेक्ट है आपके, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं 16 को सेकंड सेमेस्टर वालों का एग्जाम है। 17 को फोर्थ सेमेस्टर वालों का है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, नेक्स्ट है 19 को जो है आपका देखिए सेकंड सेमेस्टर का है जिसमें आपका टीचिंग ऑफ इंग्लिश है एंड टीचिंग ऑफ हिंदी एंड संस्कृत, तो जो भी आपका है आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने टीचिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे एग्जाम डेट जो है देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 20 को फोर्थ सेमेस्टर का है एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपने जो भी इनमें से एक चूज किया होगा, जैसे हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन है, सेकेंड ऑप्शन में है वोकेशनल एंड वर्क एजुकेशन, थर्ड है एजुकेशन फॉर पीस, फिर है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, तो ये जो है आपके 20 को है। 21 को जो है अब जो है आई शेड्यूल वालों की स्टार्ट होने वाले हैं, 20 तक जो है आपके 7 तारीख से लेकर के 20 तक जो है सेकेंड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर के जो है वो पेपर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक थी रेगुलर स्टूडेंट के लिए। अब है आई शेड्यूल वालों के लिए, तो उनका 21 को है फर्स्ट ईयर वालों का है चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ईयर, 22 को उनका है सेकंड ईयर वालों का अपना उनका टीचिंग ऑफ लाइफ साइंसेस रहता है, फिर 23 को है, फिर 26 को है, फिर 27 को है, 28 को है, 29 को है एंड 30। ठीक है, इनका जो है एक एक दिन छोड़ के है, जबकि बाकी जो ऊपर वाले जो रेगुलर हैं उनके लिए जो है थोड़ा सा टाइम बीच में जो है हॉलीडेज भी है, तो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग की 80 मार्क्स का है या 40 मार्क्स का है उसी हिसाब से आपका एग्जाम जो है रहता है, तो आप जो है उसको अपने उसके अकॉर्डिंग जो है चेक कर सकते हैं। तो डेट शीट जो है सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर रेगुलर कॉलेजेस एंड फर्स्ट एंड सेकेंड
जो रहते हैं ईयर रहते हैं जिनका ईयरली जो है सिस्टम है आई शेड्यूल का, उनके एग्जाम जो है अक्टूबर में हेल्ड होने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस। इसी तरह से जो है आप स्टडी सर्विस के साथ जो है जुड़े रहिए और अच्छे से जो है अपने एग्जाम दीजिए। आपकी जो भी शंकाएं थी वो सब जो है अब दूर हो चुकी होगी कि कब एग्जाम होने वाले हैं, तो अपनी एग्जाम की अच्छे से तैयारी कीजिए और स्टडी सर्विस के साथ इसी तरह से जुड़े रहिए। फिर से बता दूं, स्टडी सर्विस जो है ऑनलाइन कोचिंग भी प्रोवाइड करवाती है। यहाँ पे जो है टेट और टीजीटी के जो है बैच चले हुए हैं, टेट का 3 मंथ वाला बैच चला हुआ है दिसंबर के लिए, तो आप उनको चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।